कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सीजीपीसी 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने जो टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की है बेटा, उसमें आज मेरे छत्तीसगढ़ के जजाति का 7वां लेक्चर है, ठीक है, उसको आज स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आज अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो पर्व है, लोक पर्व, जनजाति पर्व, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यू है उसको आज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दे रहा, अगर देखा जाए आज का जो सेशन रहेगा वो छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्व है उस पर बेस्ड रहेगा। एक हमारे पास लोक पर्व, दूसरा हमारे पास जनजाति पर्व, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, लोक पर्व का जो प्रचलन होगा संपूर्ण राज्य में होगा, और जो जनजातीय पर्व होगा जो, ठीक है, इसका जो प्रचलन है या फिर इसका संबंध होगा ये पर्टिकुलर किसी समुदाय पे या फिर पर्टिकुलर किसी जनजाति से संबंधित होगा, ठीक है यहाँ तक। तो ध्यान में, पहले अपन बात करेंगे बेटा लोक पर्व और उसके बाद बात करेंगे जनजाति पर्व के बारे में, ठीक है ना। तो देखो भाई, ध्यान से देखना, अगर बात करेंगे लोक पर्व की बात करें तो ध्यान में बेटा लोक पर्व को आप क्या करो, जो छत्तीसगढ़ में जो अगर देखा जाए जो हिंदू कैलेंडर है उसके बेसिस पे याद रखना है आपको जितने भी हमारे पास लोक पर्व है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए, मैं बता दूं, जो हिंदू कैलेंडर है शुरू होता है किस महीने से? चैत्र महीने से शुरू होता है, ठीक है। चैत्र के बाद याद रखिएगा बैसाख आता है, ठीक है। बैसाख के बाद आषाढ़ आता है, ठीक है। आषाढ़ के बाद हमारे पास सावन आता है, सावन के बाद भाद्र माह आता है, ठीक है। भादो हो गया, भादो के बाद कुमार, कुमार को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, अश्विन महीना कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया कुमार, हो गया याद रहेगा बेटा, कुमार महीना हमारे पास हो गया ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुमार के बाद अगला हमारे पास महीना रहेगा कार्तिक, दिवाली पर्व का महीना। कार्तिक के बाद अगला हमारे पास महीना रहता है अगहन, अगहन के बाद रहता है माघ, ठीक है। देख लो अच्छे से, कार्तिक हो गया, अगहन हो गया, अगहन के बाद याद रखना बेटा हमारे पास रहता है माघ का, सॉरी माघ बोलता हूं, पौष का, ठीक है, पौष का। पौष के बाद रहेगा हमारे पास माघ का, माघ के बाद हमारे पास रहेगा फागुन का, ठीक है। एक चीज याद रखना, कुछ मैंने छोड़ दिया, एक बार देखना बेटा, एक सेकंड रुकना ना, ठीक है। देखो बैसाख, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद रहेगा आषाढ़, आषाढ़ के बाद रहेगा सावन, ठीक है। सावन के बाद रहेगा भादो, भादों के बाद याद रखिएगा बेटा कुमारी। हमारे पास जो 12 महीने हैं इस पे हमें क्या करना है, पर्व देखना है, ठीक है। जितने भी हमारे पास 12 महीना है, ठीक है ना बेटा, याद रखना इसको। अब जितने भी पर्व है मैं बताते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जैसे जो हमारे पास चैत्र महीना है, ठीक है, अगर देखा जाए जो हमारे पास चैत्र महीना है तो याद रखना बेटा, जो हमारे पास चैत्र महीना है, चैत्र महीने में सबसे पहले जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक हमारे पास चैत्र नवरात्रि का पर्व होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ये भारत का भी पर्व है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक पर्व है, जो शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक रहता है। इसके बाद जो हमारे पास चैत्र महीने का जो पूर्णिमा है बेटा, ठीक है, चैत्र महीने का जो हमारे पास पूर्णिमा है, सुनना तो ध्यान में, जो हमारे पास चैत्र महीने में ना जो सरगुजा क्षेत्र है, SRG मतलब सरगुजा है, वहां पर अगर देखा जाए ना तो ध्यान है बेटा सरहुल पर्व मनाते हैं। सरहुल पर्व कब मनाते हैं? सरगुजा में, तो चैत्र महीने के पूर्णिमा को मनाते हैं। सेम अगर देखा जाए जो बस्तर है, तो क्षेत्र महीने जो हमारे पास बस्तर क्षेत्र है ना, वहां पे कौन सा पर्व मनाते हैं? क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान देना, बस्तर में अगर देखा जाए बेटा हमारे पास माटी तिहार मनाते हैं। कौन सा तिहार मनाते हैं चैत्र महीने में? माटी
तिहार मनाते हैं कहां पर, बस्तर अंचल पे, जी आपको याद रखना है बेटा, क्लियर है यहां तक, इसको याद रखिएगा, समझ में आया जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्षेत्र हो गया, ठीक है, एक एक करके देखते जाते हैं, क्षेत्र अपने पास हो गया। अब देखो भाई, क्षेत्र के बाद अगर देखा जाए हमारे पास कौन सा महीना आता है, क्षेत्र के बाद हमारे पास कौन सा महीना है, बैसाख का महीना है, ठीक है। अब बैसाख महीने में कौन सा पर्व मनाते हैं, तो ध्यान रख, बैसाख महीने में जो शुक्ल तीन है, शुक्ल तीन को याद रखिएगा, तीन से तृतीया आता है, तो अपन मनाते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया मतलब ध्यान रख, पुत्रा पुत्री विवाह कराते हैं अपन, ठीक है ना, इसको ध्यान देना, इतना क्लियर है क्षेत्र में। और ध्यान रख, जो हमारे पास सॉरी बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया मनाते हैं, और जो बस्तर क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना बस्तर क्षेत्र में बीज बुआई पर्व मनाते हैं, कौन से क्षेत्र मनाते हैं, कौन से पर्व मनाते हैं अपन, बीज बुआई पर्व मनाते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ पर, बस्तर क्षेत्र बैसाख के महीने पे, ठीक है। फिर बात करोगे बैसाख के बाद अगला हमारे पास महीना आता है ज्येष्ठ का, ठीक है। तो ज्येष्ठ माह में ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास अगर देखा जाए ज्येष्ठ माह पे जो शुक्ल दस है, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष का जो दसवां दिन है, इस समय हम लोग मनाते हैं एक पर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्व भी अगर देखा जाए कोरिया क्षेत्र मनाते हैं, उसका नाम रहेगा गंगा दशहरा। क्या मनाते हैं अपन, तो याद रखिएगा गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा कहाँ पे मनाते हैं, तो याद रखिएगा जो सरगुजा क्षेत्र है, बेसिकली अगर देखा जाए कोरिया क्षेत्र पे अपन गंगा दशहरा मनाते हैं, समझ में आ रहे यहां तक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पर्व है किसके बेसिस पे, तो ध्यान रहे जो हमारे पास जितने भी पर्व है वो किसके बेसिस पे आपको मिलेगा, तो याद रखना हमारे पास महीने के आधार पर, ठीक है। ज्येष्ठ के बाद अगला हमारे पास कौन सा है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ महीने की बात करते हैं कि आषाढ़ महीने पे अपन कौन कौन सा पर्व मनाते हैं, ठीक है। यहां तक तो मैं बताते जा रहा हूं बेटा, सुनना अच्छे से इसको। तो हमारे पास आषाढ़ महीना है, याद रहेगा, ध्यान रहे बेटा, आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन है, ठीक है, हम कौन सा पर्व मनाते हैं, तो याद रखना रथ यात्रा पर्व मनाते हैं, ठीक है। और सेम डे से बस्तर क्षेत्र में जो गोंचा पर्व वो प्रारंभ हो जाता है, इसको याद रखिएगा, आषाढ़ महीना। आषाढ़ के बाद सावन महीने में, ठीक है, यहां तक आषाढ़ के बाद जो हमारे पास सावन महीना है, सावन महीने में अपन कौन सा पर्व मनाते हैं, तो मैं बता दूं सावन महीने में जो हमारे पास कृष्ण पक्ष है, ठीक है, कृष्ण पक्ष के पहले दिन अगर देखा जाए सावन महीने में, सॉरी कृष्ण पक्ष का पहला दिन बोलता हूं, सुनना बेटा अच्छे से, जो हमारे पास सावन महीना है, सावन महीने में अमावस को अपन एक पर्व मनाते हैं, उस पर्व का नाम रहेगा कौन सा पर्व, तो याद रखना बेटा वो रहेगा हरेली पर्व। कौन सा पर्व रहेगा, हरेली पर्व, कुटकी देवी की पूजा करते हैं और जितने भी कृषि उपकरण उसकी पूजा अपन करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे पास सावन महीना है शुक्ल पांच है, सावन महीने में जो हमारे पास शुक्ल पांच है उस पर अपन कौन सा पर्व मनाते हैं, तो याद रखिएगा अपन हम लोग मनाते हैं नाग पंचमी मनाते हैं बेटा, याद रहेगा शुक्ल पांच को। और जो हमारे पास सावन महीने का जो हमारे पास पूर्णिमा है उस पे हम लोग मनाते हैं रक्षाबंधन, राखी पर्व मनाते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास कौन सा पर्व है, सावन महीने से संबंधित पर्व है, ठीक है। सावन के बाद ना अगला हमारे पास आ जाइए किस महीने में, भादो में, भाद्र माह में आ जाइए, ठीक है। भाद्र में एक प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य में भादो महीने में मैक्सिमम पर्व मनाया जाता है, सबसे ज्यादा पर्व भादो माह में मनाया जाता है, ठीक है। यहां तक तो देखो भादो माह में अगर बात करोगे कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन है, चौथा दिन है, छठवां दिन है, आठवां दिन है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो भाई, जो कृष्ण पक्ष का पहला दिन है भोजली पर्व मनाते हैं, कृष्ण पक्ष का चौथा दिन बहुरा चौथ मनाते हैं, छठवां को हल षष्ठी कमर छठ मनाते हैं, और आठवां को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो क्या बताओ, कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और ध्यान देना इसी समय जो कृष्ण पक्ष का अमावस है, ठीक है, अमावस को हम लोग मनाते हैं पोला पर्व मनाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देख लो कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन है हम लोग क्या मनाएंगे, तो याद रखिएगा भोजली पर्व मनाएंगे। चौथे दिन क्या मनाते हैं, हम लोग बहुरा चौथ मनाते हैं। छठवें दिन कृष्ण सॉरी अपन क्या मनाते हैं, हल षष्ठी का मरछड़ मनाते हैं। आठवें दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, और अमावस को अपन क्या कौन सा पर्व मनाते हैं, पोला पर्व मनाते हैं। सेम चीज अगर देखा जाए शुक्ल पक्ष की, भादो महीने में शुक्ल पक्ष को कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अपन क्या मनाते हैं, तीज मनाते हैं, तीजा पर्व मनाते हैं, ठीक है। चौथे दिन चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। और ध्यान देना जो पूर्णिमा है हम लोग क्या मनाते हैं, शरद पूर्णिमा मनाते हैं बेटा। कौन सा पर्व मनाते हैं, शरद पूर्णिमा, इसको याद रखना है भादो महीने में, ठीक है, यहां तक इसको याद रखना। फिर भादो के बाद अगला हमारे पास आता है कुमार महीना। कुमार का मतलब होता है अश्विन का महीना, ठीक है। तो देखो बेटा कुमार महीने में ना एक महत्वपूर्ण पर्व हमारे पास जो कृष्ण पक्ष के पहले दिन से शुरू हो जाता है,
पहले से लेकर के 14 दिन तक हमारे पास कौन सा पर्व होता है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ में पितर पर्व होता है, पितर, पितर पाक। कौन सा पर्व होता है? पितर पाक होता है, पितर पक्ष होता है, ठीक है ना ये, ठीक है उसको याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिए हमारे पास इसी समय कृष्ण पक्ष का जो हमारे पास आठवां दिन है ना, एक पर्व मनाते हैं, उस पर्व का नाम है बेटा जुतिया पर्व। कौन सा पर्व है बेटा? तो याद रखिएगा बेटा जुतिया पर्व है, ठीक है। फिर कुंवार महीने में फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, शुक्ल पक्ष का एक जैसे भी चल रहा है, 1 से 9 तक नवरात्रि पर्व। तो कुंवार नवरात्रि अपन शुक्ल पक्ष के पहले से 9वें दिन तक, फिर 10वें दिन क्या हो जाएगा? तो याद रखना पड़ेगा दशहरा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक इतना क्लियर है, ठीक है, इसको प्लीज याद रखना किसके बारे में, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है, कुंवार महीना। कुंवार के बाद अगला अगर देखा जाए, बता दे देता हूं, अगला हमारे पास आता है कार्तिक, कार्तिक का महीना। कार्तिक में बेटा कृष्ण पक्ष को याद करो, कृष्ण पक्ष का 13वां दिन, 14वां दिन और पूर्णिमा, सॉरी अमावस, अमावस, ठीक है। तो याद रखना कृष्ण पक्ष का जो 13वां दिन होगा हम क्या मनाते हैं? धनतेरस। क्या मनाते हैं? धनतेरस। और ध्यान देना 14वें दिन क्या मनाते हैं बेटा? नरक चौदस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नरक चौदस। अमावस को अपन क्या मनाते हैं? दिवाली पर्व मनाते हैं, दीपावली पर्व मनाते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको बताया था अभी, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ शुक्ल पक्ष पे आ जाओ, तो कार्तिक महीने में जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के पहले दिन अपन कौन सा पर्व मनाएंगे? तो याद रखना बेटा गोवर्धन पूजा मनाएंगे। और बस्तर क्षेत्र में इसी समय याद रखना अपन कौन सा पर्व मनाते हैं? दियारी पर्व मनाते हैं। कहां पे? बस्तर में, ठीक है। दिवाली के दूसरे दिन बस्तर क्षेत्र में दियारी पर्व मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन है बेटा वो छत्तीसगढ़ राज्य में मातर पूजा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? भैया दूज या फिर भाई दूज पर्व मनाते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, क्लियर है, समझ में आया बेटा इसके बारे में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कार्तिक महीने के बारे में। और कार्तिक में शुक्ल पक्ष का जो 9वां दिन है वो आंवला नवमी, इसको कहते हैं आंवला, आंवला नवमी शुक्ल पक्ष के कौन से दिन? 9वें दिन। और जो 11वां दिन है शुक्ल पक्ष का कार्तिक महीने में वो क्या कहलाता है? तुलसी विवाह पर्व। कौन सा पर्व रहता है? तो क्या बताओगे? तुलसी विवाह रहता है, बराबर यहां तक, ठीक है। तो देख लो कार्तिक का जो हमारे पास महीना है, कार्तिक महीने में इतने सारे पर्व बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। अभी अपन एमसीक्यू करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अघन में, अघन में ना बेटा प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, देखा होगा आपने, वो अपन चित्रकारी करते हैं गीले चावल आटे से, देखा होगा, ठीक है। फिर पौष के महीने में देखो, पौष जो पुष का महीना है उसमें शुक्ल पक्ष के 11वें दिन बड़े भजन का राम नामी मेला होता है बेटा, याद है जानकी चापा सारंगढ़ एरिया पे। और जो हमारे पास पुष महीने का जो हमारे पास पूर्णिमा है, पौष महीने का पूर्णिमा कहलाता है छेरछेरा पर्व, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। माघ महीने में आओगे तो माघ महीने में जो शुक्ल पक्ष का पंचमी है ना उसमें अपन क्या मनाते हैं? तो याद रखना बेटा बसंत पंचमी मनाते हैं। और लास्ट जो फागुन महीना है, फागुन महीने का जो शुक्ल 13 है उस दिन हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, ठीक है। और फागुन महीने में जो पूर्णिमा है बेटा उसमें अपन कौन से पर्व मनाते हैं? होली पर्व मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ याद रखना है किसके बारे में? पर्व के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं सीधा एमसीक्यू पे, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना और क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देना है। पहला प्रश्न लेते हैं, इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, याद रहेगा शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन तृतीय दिन मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? भोजली है क्या? भादो के महीने में मनाते हैं। भोजली कब मनाते हैं? भादो महीने में कृष्ण पक्ष के पहले दिन। होली कब मनाते हैं? फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन। अक्ति कब मनाते हैं? तो याद रखना अक्ति जो है हमारे पास, इसी को अपन कहते हैं अक्षय तृतीया। कौन सा पर्व कहते हैं? अक्षय तृतीया। इस दिन याद रखना तृतीया के दिन अपन क्या कहते हैं? पुत्रा पुत्री विवाह करते हैं बेटा। क्या करते हैं? पुत्रा पुत्री विवाह, ठीक है, इसी को अपन कहते हैं अक्षय तृतीया कहते हैं। जो कब मनाया जाता है याद रखिएगा, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन। अभी मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, इसलिए सारा चीज मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करते हैं। तो याद रखना अगला हमारे पास कौन सा है? गंगा दशहरा। अभी मैंने बताया था गंगा दशहरा कहां मनाएंगे, तो ध्यान देना बेटा जो हमारे पास गंगा दशहरा है ये सरगुजा अंचल में मनाया जाता है, विशेष रूप से ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ध्यान, मैंने आपको बताया है
ये ज्येष्ठ महीने में, ठीक है, ज्येष्ठ महीने में जो हमारे पास शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के दसवें दिन याद रखिएगा अपन क्या मनाते हैं, तो क्या बताओगे, सरगुजांचल पे गंगा दशहरा पर्व मनाते हैं। समझ में आया यहां तक ना, इसको याद रखिएगा, गंगा दशहरा पर्व कब मनाया जाता है उससे संबंधित ये हमारे पास क्या हो गया, जानकारी हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा बताओ, गंगा दशहरा पर्व कहां कब मनाते हैं, चैत्र मनाते हैं क्या नहीं, कब मनाते हैं, बैसाख मनाते हैं क्या नहीं, तो कब मनाते हैं, ज्येष्ठ महीने में मनाते हैं, किस महीने मनाते हैं, ज्येष्ठ, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अभी बताया था जी मैंने, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पढ़िए बेटा, बस्तर क्षेत्र में गुंचा पर्व कब मनाते हैं, क्लियर है, तो ध्यान देना, बस्तर क्षेत्र में गुंचा पर्व कब मनाते हैं, फागुन माह मनाते हैं क्या नहीं, कार्तिक माह में मनाते हैं क्या नहीं, भादो माह मनाते हैं क्या नहीं, तो कब मनाते हैं, आषाढ़ महीने में। ध्यान देना, जो हमारे पास गुंचा पर्व है वो आषाढ़ महीने में जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन, ध्यान देना, रथ यात्रा पर्व शुरू होता है और बस्तर क्षेत्र में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से क्या पर्व शुरू होता है, गोंचा पर्व, याद रहेगा कौन सा पर्व हमारे पास, क्या बताओगे, गोंचा पर्व, क्लियर है यहां तक, तो हमें जो गोंचा पर्व है बस्तर अंचल में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो अपन बोलते हैं ना रथ यात्रा पर्व, जगन्नाथपुरी वाला, उसी दिन से ही माना जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, 3 था बेटा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तुपकी, तुपकी किस पर्व से संबंधित है जी, ये आप कमेंट करके बताइए, इसका इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास समय है चलो बताओ, तो तुपकी किस पर्व से संबंधित है। ठीक है ना, तो ध्यान देना बेटा, छत्तीसगढ़ का जो जनजातियों का जो कल्चर है, ठीक है, जनजातियों का जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो कौन निभाता है, बस्तर का दशहरा, ये विश्व प्रसिद्ध है, जो लगभग अगर देखा जाए मैक्सिमम 75 दिन तक चलता है, विशेष रूप से इसे 13 दिन तक इसका आयोजन होता है, लेकिन देखा जाए तो 75 दिन तक चलता है, याद रहेगा। और ध्यान देना कब से शुरू होता है, अगर देखा जाए जो उस बस्तर का जो दशहरा है ना, याद रहेगा, तो ध्यान रहे बेटा इसमें तुपकी जो है ना उसका विशेष महत्व है। ठीक है ना, तो ध्यान देना इसका संबंध किससे है, दशहरा से लोगे कि रथ यात्रा से लोगे, बताओ भाई इसका उत्तर क्या लेना चाहेंगे आप, दशहरा लोगे कि रथ यात्रा लोगे, बताओ भाई, कई लोग यही है, वहां पे दशहरा लिखा है, वहां पे बस्तर का दशहरा नहीं लिखा है, आया समझ में आता, पॉइंट क्लियर है, इसलिए इसका उत्तर सी नहीं होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, सी नहीं होगा, कैसे, तो ध्यान देना बस्तर का दशहरा अगर देखा जाए कब से शुरू हुआ, अभी मैंने बताया है आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन, ठीक है, वो गोंचा पर्व के नाम से शुरू होगा। ठीक है, यहां तक अगर देखा जाए तो, और ध्यान देना जो बस्तर का जो रथ यात्रा है, बस्तर का जो हमारे पास है, वहां पे किसका उपयोग होता है, क्या बताओगे, तुपकी वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या लोगे बेटा, आप लोग डी लोगे, ना कि सी लोगे, समझ में आया यहां तक, इसको प्लीज देखिएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 क्या है, छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है भाई, बहुरा चौथ है क्या, कब मनाते हैं बहुरा चौथ, ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तीजा पर्व अभी मैंने बताया है, भादो महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाते हैं। भोजली पर्व भादो महीने में कृष्ण पक्ष के पहले दिन मनाते हैं। हरेली पर्व जो है वो कृष्ण पक्ष के अमावस को मनाते हैं। और ध्यान देना जो हमारे पास हरेली है ये किसानों का पर्व है। हरेली कौन सा पर्व है, किसानों का पर्व है, किसानों का पर्व तो है। और ध्यान देना इसमें जो भी हमारे पास कृषि जो भी उपकरण है, इस दिन कृषि उपकरण का अपन साफ सफाई करके क्या करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही साथ इस दिन कुटकी देवी की भी पूजा की जाती है, याद रहेगा, मान्यता अनुसार कुटकी देवी की भी पूजा की जाती है, समझ में, हरेली पर्व। और ध्यान रहे बेटा हरेली पर्व में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजना लॉन्च किया है, एक है गोधन न्याय योजना और दूसरा है गौमूत्र खरीदी कार्यक्रम। ठीक है, ये स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो देखो भाई अगर देखा जाए जो हमारे पास हरेली पर्व है ना, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने राजकीय अवकाश की भी घोषणा किया है हरेली पर्व के दिन। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक तो देखिएगा जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या मिलेगा बेटा, तो याद ध्यान देना जो प्रश्न नंबर 5 है उसका उत्तर आपको मिलेगा ए मिलेगा, हरेली पर्व मिलेगा। ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, हरेली पर्व क्लियर है यहां तक। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी किस माह में मनाते हैं, सावन में मनाते हैं कि भादो में मनाते हैं कि जेठ में मनाते हैं कि आषाढ़ में मनाते हैं, कमेंट करके बताइए, बताओ तो नाग पंचमी कब मनाते हैं, भादो में मनाते हैं कि सावन में मनाते हैं,
ठीक है, कि आषाढ़ में मनाते कि जेठ में, जल्दी बताइए भाई, आपके पास समय है, कमेंट करके बताइए। जो हमारे पास नागपंचमी है ये किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका उत्तर ना बेटा आपको मिलेगा भादो में। कब मनाया जाता है? भादो में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी होगा, नाग पंचमी। पक्का भादो मनाया जाएगा कि सावन मनाया जाएगा? जल्दी बताइए भाई, भादो मनाया जाएगा कि सावन मनाया जाएगा नाग पंचमी? जल्दी बताइए भाई, फिर टॉपिक अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां तक कब मनाया जाता है जल्दी बताइए भाई, क्लियर है? ध्यान है बेटा, जल्दी बताओ कहां पे भादो, भादो, भादो है क्या? नहीं, भादो नहीं बेटा। इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास नागपंचमी है ये श्रावण माह में, सावन महीने में, जो हमारा शुक्ल पक्ष है, ठीक है, शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? नागपंचमी पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। याद भादो नहीं है बेटा, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया था। तो ध्यान देना, जो नागपंचमी पर्व है वो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा, नागपंचमी, क्लियर है। पर बताता छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो पर्व है वो भादो के माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? भादो के माह में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको के साथ डील करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अपन समझते हैं। कमरछठ या हल षष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? समझ में आया? तो देखो बेटा, कमरछठ पर्व कब मनाते हैं? तो मैंने बताया था, जो कमरछठ पर्व है ये मनाते हैं भाद्र माह में। और भाद्र माह में कब मनाते हैं? ध्यान देना, कृष्ण पक्ष के दिन। कृष्ण पक्ष में कब मनाते हैं? ध्यान देना, कृष्ण पक्ष के छठवें दिन, इसलिए इसको छठ अर्थात कमरछठ कहते हैं, ठीक है। यहां तक याद रखना, कमरछठ या हल षष्ठी पर्व कहते हैं। इस दिन अगर देखा जाए, आपने देखा होगा बेटा गांव पे दो गड्ढे का स्थापना किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सगरी कहते हैं। समझ में आया? एक को अपन माता पार्वती, दूसरे को भगवान शिव का अपन क्या मानते हैं? प्रतीक मान के पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, दिखा होगा। तो ध्यान में, जो हमारे पास कमरछठ पर्व है, प्रमुख रूप से ये माताओं का पर्व है, इनका पर्व है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी माताएं हैं, माताओं का पर्व माना जाता है। माताएं क्या करती है? अपने बच्चों, ठीक है, बच्चों की दीर्घायु के लिए, दीर्घायु का मतलब होगा लंबी उम्र के कामना के लिए, लोग क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, कमरछठ पर्व, ठीक है, मनाया जाता है। ध्यान रहे, उत्तर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पति की दीर्घायु के लिए नहीं, भाई के दीर्घायु के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बराबर यहां तक क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, याद रहेगा, कमरछठ पर्व कब मनाते हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया, ठीक है भाई। 7 के बाद अगला पन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? देखो बेटा, बैल, मैंने बोला कृषि उपकरण की पूजा कब की जाती है? हरेली पर्व में, जो सावन माह के अमावस को मनाया जाता है। यहां पे बैल, किसान अपने बैल को किस त्योहार में सजाते हैं? तो ध्यान देना, हमारे पास एक पर्व होता है, उस पर्व का आपको नाम याद रखना है, पोला पाटन पर्व, पोला पर्व भी कह सकते हैं। ये जो पोला पर्व है, याद रखिएगा, ये भादो के माह में मनाया जाता है। और भादो के कब? तो याद रखिएगा, भादो के अमावस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो के अमावस को मनाया जाता है। कौन सा पर्व? पोला पाटन पर्व। समझ में आया ना? इस बात को याद रखिएगा। इसलिए देखो कौन सा है, 8वें का उत्तर होली पर्व होगा क्या? नहीं। दीपावली होगा क्या? नहीं। हरेली होगा क्या? नहीं। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, पोला पर्व। और पोला पर्व में छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे नारियल फेंक हो गया, ठीक है, बैल दौड़ हो गया। नारियल फेंक बेटा किसमें? हरेली पर्व के दिन भी ऑर्गेनाइज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो किसान अपने बैल को कब सजाते हैं? तो क्या बेटा? पोला पर्व के दिन, ठीक है। 8वें उत्तर आपको क्या मिलेगा? बी, ठीक है। प्रश्न को अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9th की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में प्रश्न को एक अच्छे से रीड करो। छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रख रही है? अभी से पहले संतान के दीर्घायु के लिए बताओ, कमेंट करके बताइए बेटा। महिलाएं अपने बच्चों अर्थात संतान की दीर्घायु के लिए कौन सा पर्व मनाती है, कब मनाती है? तो आपने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने, क्या होगा? कमरछठ। कमरछठ पर्व कब मनाते हैं? भादो के महीने में, कृष्ण पक्ष के छठवें दिन मनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती है? तो देखो, जन्माष्टमी करती है क्या? नहीं। ये कृष्ण भादो महीने में, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाया जाता है। तीजा पर्व, तो बिल्कुल ये सही है,
और तीजा पर्व कमरछठ है क्या? कमरछठ बच्चों के लिए है। रामनवमी बेटा ये तो दशहरा अगर देखा जाए तो नवरात्रि के बाद है। तो याद रखना तीजा पर्व, तीजा पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखिए कि हमारे पास तीजा पर्व है वो भादो के माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो के माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो क्या बताओगे बेटा हमारे पास तीजा पर्व। और तीजा पर्व किससे संबंधित है? महिलाओं से, विवाहित महिलाओं से संबंधित है। और विवाहित महिलाएं क्या करती है? अपने पति के दीर्घायु के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए वो लोग कौन सा पर्व मनाते हैं बेटा? तो याद बताओगे तीजा पर्व, तीज पर्व मनाते हैं। ठीक ना, याद रहेगा यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। अगला ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको बता दी है बेटा स्टार्टिंग पे, ठीक है ना? तो ध्यान देना, प्री में ना ज्यादातर क्या पूछेगा पर्व में बेटा? महीना, किस महीने मनाते हैं, यही रहेगा। जनजाति है तो कौन सी जनजाति मनाती है, इतना पूछेगा, अंदर बहुत कम जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाते हैं? जल्दी बताइए बहुरा चौथ का पर्व कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइए भाई, जल्द से जल्द बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है, फटाफट बताइए, सटाफट बताइए, जल्दी बताइए। तो ध्यान देना, बहुरा चौथ जो हमारे पास है, चौथ मतलब चौथा ही होगा, चतुर्थी सभी जगह है, आया समझ में? लेकिन ध्यान देना बेटे, जो हमारे पास बहुरा चौथ का जो पर्व है, ये छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास भाद्र माह है, याद रहेगा जो हमारे पास भाद्र माह है, ठीक है। भाद्र माह पे अगर देखा जाए जो हमारे पास कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के चौथे दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बहुरा चौथ पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुरा चौथ पर्व मनाया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मातर पर्व। तो देखो बेटे, तुम्हारे पास मातर पर्व है ना, ये छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास यदुवंशी जो समाज है, विशेष रूप से ठेठवार जो समाज है, ठीक है ना, ठेठवार समाज, इनमें ये इस पर्व का ज्यादा प्रचलन है, मातर पर्व, बराबर यहां तक। और जो मातर पर्व है ना वो दिवाली के, ठीक है, दिवाली बोलता हूं, हाँ दिवाली के समय ही मनाया जाता है। दिवाली में अगर देखा जाए, ठीक है, कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है, मतलब गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन और दिवाली के दो दिन बाद, याद रहेगा दीपावली लक्ष्मी पूजा के दो दिन बाद, देखो दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा मनाते हैं राउत जाति के द्वारा, और दो दिन बाद मातर पूजा मनाते हैं, मातर पर्व मनाते हैं, किनके द्वारा? यदुवंशियों के द्वारा, ठेठवार के द्वारा, बराबर यहां तक। तो देखिएगा कब मनाते हैं, होली के बाद मनाते हैं क्या? नहीं। गोवर्धन पूजा के बाद मनाते हैं क्या? बिल्कुल सही है। पोलक बाद मनाते हैं क्या? नहीं। दशहरा के बाद मनाते हैं क्या? नहीं। इसलिए मातर पर्व का उत्तर क्या, याद रखना, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन, या फिर अगर देखा जाए गोवर्धन पूजा, ठीक है, गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन, इसको याद रखना, या फिर अगर देखा जाए जो मातर पूजा है, सॉरी, जो हमारे पास दिवाली पूजा है, दिवाली पूजा के दो दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है बेटा? कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन नंबर किसमें आते हैं? 12 में आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार अच्छे से रीड करो बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से रीड करो और बताओ, ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कीजिए भाई आप लोग, और फिर कमेंट करके इसका उत्तर अगर बताना चाहो तो बता सकते हो आप लोग, समझ में आया ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के नवमे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो मैंने अभी बताया था आंवला नवमी बताया था जी, तो सीधा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आम नहीं है, बेल नहीं है, बरगद, क्यों? क्योंकि इस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंवला नवमी। कब? कार्तिक माह में, समझ में आया, क्लियर है यहां तक? याद रखिएगा कार्तिक माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये अपने पास क्लियर हुआ, ठीक है। 12 के बाद अगला अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ठीक है। इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को, ठीक है, पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं, ठीक है, बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? हरेली पर्व है क्या? तो मैंने बताया था हरेली किसानों का पर्व है, सावन महीने मनाया जाता है।
नवाखाई पर्व भादु में पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। अगला है नवरात्रि पर्व, ये कुमार और चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष के 1 से 9वें दिन मनाया जाता है। छेरछेरा पर्व बिल्कुल है बेटा, छेरछेरा आपने देखा सुना होगा, बच्चे एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोलते हैं, छेरछेरा माई कोठी के धान ला हिरते हिरा, ठीक है याद रहेगा, तो छेरछेरा याद रखना, ये कब मनाया जाता है तो ध्यान देना ये पौष महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। जब नए जब फसल आ जाता है, जैसे धान का फसल आ जाता है तो बच्चे धान की मांग करते हैं जितने भी ग्रामीण हैं गांव पे जाके सबके घर में, ठीक है ना, याद रखना छेरछेरा पर्व, क्लियर है यहां तक, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं और देखते हैं, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ो भाई। सरगुजा, मैंने ये बताया भाई बहुत बार बता दिया है, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्यौहार कब मनाती है, ठीक है। तो कर्मा जो त्यौहार है कर्म से संबंधित है, बताया था आपको, और ये बेटा ये तीसरी बार बता रहा हूं, कर्मा जो त्यौहार है सरगुजा अंचल में भाद्र माह में मनाया जाता है। किस महीने में? भादो के माह में मनाया जाता है भाई, ठीक है ना, यहां तक देख लो अच्छे से। जो हमारे पास कर्मा जो पर्व है सरगुजा अंचल में कब मनाया जाता है तो क्या बताओगे आप लोग, ध्यान देना ये भाद्र महीने में मनाया जाता है, ठीक है यहां तक। अब देखो मैंने आपको बताया भी था जनजाति में, तो प्राइमरी में बैगा लेना है, बैगा के बाद गोड़ जनजाति लेना है, गोड़ के बाद अगर देखा जाए उरांव जनजाति लेना है, बिरहोर भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा भादो महीने में बैगा जनजाति, गोड़ जनजाति, जो उरांव जनजाति है, ठीक है एक सेकंड, जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति लोग कौन सा पर्व मनाते हैं तो क्या बताओगे, कर्मा। विशेष रूप से 3 जनजाति को ही याद रखिएगा, कर्मा पर्व, समझ में आया, किस महीने में? भाद्र, कहां पर? सरगुजांचल पे, समझ में आया ना, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति ककसार पर्व मनाती है, बताइए भाई कमेंट करके, ककसार पर्व कौन सा जनजाति मनाती है इनमें से, जो आपके पास ऑप्शन है, पहाड़ी पर्व मनाती है क्या? नहीं, बताया था ककसार डांस किया था, याद है ना भाई ककसार, बैगा लोग मनाते हैं क्या? नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा, अबूझ माड़िया, याद रखना जो 15 है क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास 15 है इसका उत्तर क्या मिलेगा तो क्या बताओगे, अबूझ माड़िया, ठीक है ककसार, ठीक है यहां तक समझना बेटा, ककसार नाम से अगर पर्व है तो कौन मनाएगा, अबूझ माड़िया जनजाति मनाती है, इसको आपको याद रखना है। 15 हो गया, 15 के बाद अगला अपन लेते हैं, देखो बेटा मैंने अगर बता दूं लोक पर्व में आपको महीना याद रखना है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, किस दिन है, जनजाति पर्व में या तो पर्व के साथ जनजाति याद रखना या तो जनजाति के साथ पर्व को याद रखना, साथ ही साथ कभी कभी लोकेशन पूछ देता है, एरिया जिला पूछ देता है, ठीक है ना, इतना ही पूछेगा, रिलैक्स रहिएगा। अभी ये भी हमने ये क्वेश्चन उत्तर आई होप ये समझ आपको पता होगा, सरहुल पर्व कौन सी जनजाति मनाती है कब मनाती है ये तो पता होगा, तो मैंने बताया था बेटा जो सरहुल पर्व है ये छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति मनाती है, कब मनाती है, चैत्र महीने में मनाती है, किस महीने मनाती, चैत्र, और चैत्र में कब मनाती है, पूर्णिमा के समय मनाती है, चैत्र महीने में कब मनाती है, पूर्णिमा के समय मनाती है, बराबर यहां तक, ठीक है इसको याद रखिएगा। देख लो सरहुल पर्व कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति, कब मनाती है, चैत्र महीने के पूर्णिमा, क्या होता है तो आपने देखा होगा जो माता सरना देवी की आराधना करते हैं और साथ ही साथ इन लोग क्या करते हैं, विवाह कराते हैं धरती और सूर्य का, और प्रतीक क्या रहेगा, मुर्गा और मुर्गी, धरती के रूप में मुर्गी और सूर्य भगवान के रूप में मुर्गा, पूजा कराते हैं, ठीक है। और याद रखना बेसिकली अगर देखा जाए जब साल का फूल आ जाता है, क्योंकि इन लोग साल के वृक्ष पे ही माता सरना का निवास मानते हैं, ठीक है यहां तक इसको याद रखिएगा बेटा, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं, ठीक है, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं, अभी मैंने बताया था जी कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा सूत्र को क्या मिलेगा, भाद्र माह में, किस महीने में तो क्या बताओगे, भाद्र माह में मनाते हैं, ठीक है क्वेश्चन क्लियर है, ये आपको पता होगा, समझाने का आवश्यकता नहीं है, कर्मा डांस में क्या होता है, कौन कौन सी जनजाति है, ठीक है। हाँ भाई बताइए, कमेंट करके बताइए कौन कौन सी जनजाति कर्मा पर्व मनाती है जो सरगुजा अंचल से संबंधित है, जल्दी फटाफट बताइए भाई, चलो तो आपके पास समय है, कमेंट करके बताइए सरगुजा अंचल की वो कौन कौन सी जनजातियां हैं, ठीक है, जो कर्मा पर्व मनाते हैं, ठीक है जल्दी बताओ तो भाई फटाफट बताओ, क्लियर है बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है भाई, वेरी गुड।
अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो गोड जनजाति में नई फसल के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, देख लो भाई, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। गोड जनजाति में नई फसल के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। याद रहेगा तो देखो भाई, अगर देखा जाए जो हमारे पास गोड जनजाति है उसमें एक महीना है भाद्र माह, और भाद्र माह में कब, तो याद रखना भाद्र माह में जो पूर्णिमा है उस दिन, तो याद रखना जो हमारे पास भाद्र महीने का जो हमारे पास पूर्णिमा है, ठीक है, इस दिन अगर देखा जाए जो हमारे पास जनजाति जो है, ठीक है, गोड जनजाति, इन लोग कौन सा पर्व मनाते हैं, नवा खानी पर्व मनाते हैं। नवा खानी का मतलब शब्द से स्पष्ट है नया खाना है, नया क्या खाना है, नए फसल का सेवन करना, प्रारंभ करना है, याद रहेगा, तो ध्यान, नवा खाना का मतलब होता है जो नया फसल उसका सेवन करना प्रारंभ करता है, उससे पहले इन लोग क्या करते हैं, इनके जो कुल देवी देवता होते हैं, जो ग्राम के देवी देवता होते हैं, उसका इन लोग क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। तो गोर जनजाति क्या करती है, जो नया फसल आया है जो भी हो, चाहे वो धान हो ये हो, तो नया फसल को क्या करते हैं, देवी, जो इनके आराध्य इष्ट देवी देवता है, जो कुल देवी देवता, उनको क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो मदिरा है इसका भी अर्पण किया जाता है, समझ में आया। और जब ये हो जाएगा तब जाके इन लोग क्या करते हैं, इसका यूज करना शुरू करते हैं, किसका, नया फसल का, ठीक है, इसलिए इस पर्व को अपन किस नाम से जानते हैं, नवाखानी पर्व के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या मिलता है, तो ध्यान देना, गोड जनजाति में नई फसल के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, सरहुल बोलते हैं क्या, नहीं, नवई बोलते हैं क्या, नहीं, नवा तिहार बोलते हैं क्या, नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नवा खाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नवा खाई हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ में आया ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं माटी तिहार, अभी बताया था माटी तिहार, तो याद रखना बेटा मैंने बताया था चैत्र महीने में, ठीक है ना, कार्तिक होगा क्या, नहीं, भादो आषाढ़, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चैत्र, माटी तिहार कहाँ मनाया जाएगा, बस्तर में। इस समय जो माटी तिहार है बड़े उल्लास के साथ विशेष रूप से मनाया जाता है, मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की अपन पूजा करते हैं, ठीक है ना, ताकि आने वाले समय में कृषि कार्य बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के असंभव क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, बराबर। यहां तक ये हमारे पास माटी तिहार है जो पूरे के पूरे बस्तर अंचल में चैत्र महीने में मनाया जाता है, ठीक है, यहां तक ये आता है भाई, ये इसको बीज पूटनी पर्व भी कहते हैं, कौन सा पर्व कहते हैं, इसी को ही, जो माटी तिहार है उसे ही बीज पूटनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसको प्लीज विशेष रूप से याद रखिएगा भाई, क्लियर है यहां तक, याद रखना, ठीक है। इसके बाद लास्ट आज का अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, ठीक है ना, 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली परब, ठीक है, बाली परब है, बरब नहीं है, वो सुधार लेना, ठीक है, बाली परब, ठीक है, याद रखना यहां भी परब, समझ में आया, तो 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली परब किस जनजाति में मनाया जाता है, भत्रा, परजा, गदबा की हलवा, याद रहेगा, तो ध्यान रखना इसका एग्जैक्ट उत्तर आपको लेना है डी, लेना है, क्या लेना है, डी, हलवा, समझ में आया, हलवा हल चलाएगा, कृषि कार्य करेगा, इसलिए ये जनजाति आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, हलवा, क्लियर है यहां तक, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, यहां तक बेटा देख लो, तो देखो आज हमने क्या किया है, छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्व है, चाहे वो जनजाति पर्व बोलो या फिर लोक पर्व बोलो, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मैंने अभी लेके आया था, आपको आपको एक प्रकार से इसको क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है बेटा, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर शनिवार को जब अपन लाइव आएंगे, लाइव आप जब आप आपका डाउट क्लियर करेंगे तो उसमें भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, याद रहेगा, देख लो आज हमने जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग भी मैंने आपको बता दिया था छत्तीसगढ़ में जो पर्व है, ठीक है, पर्व में हमने लोक पर्व और छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति पर्व है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए हैं, और मैंने आपको सबसे पहला महीनेवार, जैसे कि चैत्र के माह में, बैसाख के महीने में ज्येष्ठ, अषाढ़, सावन, ठीक है, भादो है, कुंवार है, ठीक है, यहाँ तक कार्तिक है, पौष है, माघ है, फागुन है, इस महीने में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है,
उससे संबंधित मैंने जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो आपको कराया है, ठीक है यहाँ तक। तो बेटा कुछ भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, मैक्सिमम हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उसको इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है, याद रहेगा तो, ठीक है। बाकी अपन कल मिलते हैं, कल महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई, तो फिर विदा लेते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।